वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ डिसऑर्डर्स, और वो जो डिसऑर्डर्स जो है वो बेस है डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा है, उसके हार्मोन्स को भी पढ़ा हमने, तो उसमें जो भी डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीन शॉट। सबसे पहले जो होता है डिसऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो होता है जायगैटिज्म, ठीक है ना। ये जायगैटिज्म जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों होता है, ये होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है हाई सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी का जो है एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा। उसकी वजह से जो होता है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी, और नॉर्मल हाइट से हमारी जो जिस इंडिविजुअल में ये डिसऑर्डर होता है उसकी उसकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा दिखता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे किस किस हार्मोन की एक्सेस ग्रोथ होती है, ग्रोथ हार्मोन की। ये जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये निकलता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है बोन्स जो होते हैं उनका ग्रोथ होता है, और साथ साथ में क्या होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं इनका भी साथ साथ में इनकी जो भी ज़्यादा एनलार्जमेंट होता है। तो यूजुअली जो ये जायगेंटिज्म जो होता है ये चाइल्ड्स में होता है, चिल्ड्रन में होता है, बिफोर द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे जो बोन जो होता है, बोन में क्या होते हैं, ग्रोथ प्लेट्स होते हैं। जब ये ग्रोथ प्लेट्स जो होते हैं ये क्लोज हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, ऑसिफिकेशन जो होते हैं, उस जो ग्रोथ प्लेट जब क्लोज हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन, ठीक है ना, बोन ऑसिफिकेशन, ठीक है ना। तो जब ये मतलब ओपन ही रहते हैं बच्चों में, ओपन ही रहते हैं जब बच्चे मतलब एडल्ट हो जाते हैं, ये बोन में जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो होता है ग्रोथ जो होता है बोन का वो नहीं होता है। जब ये ओपन होते हैं ग्रोथ प्लेट्स, तो ये बोन जो होते हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस और जो ये इस कंडीशन से क्या होता है, मतलब जब बोन ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो ग्रोथ भी एक इंडिविजुअल का जो होता है वो बढ़ मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें बोन जितनी बड़े होते हैं ना उतनी बड़े एक इंडिविजुअल का ग्रोथ होता है। तो ये बिफोर द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन से होता है, ये यूजुअली चिल्ड्रन में होता है। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो होता है एक्रोमेकली। ये जो एक्रोमेकली जो होता है ये जब ऑसिफिकेशन होती है, मतलब बिफोर द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन होता है, ऑसिफिकेशन के मतलब ये वाला जो डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा था जायगेटिज्म, ये बिफोर द ऑस्पिकेशन होता है, लेकिन एक्रोमेगेली क्या होता है, ये आफ्टर द ऑस्पिकेशन ऑफ, जब भी बोन की ऑस्पिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद एक्रोमेली होती है। इसका मतलब होता है एक्रोमेगेली जो होता है ये एडल्ट्स में होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो होता है ये हमने पढ़ा है चिल्ड्रन में होता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं नोटिसेबल चेंजेस क्या होते हैं, वो फेस में ही दिखते हैं, मतलब जा जो होता है लोअर जा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता है, ठीक है ना। और टंग जो होती है, जो बोनस ये जो हैंड बोनस जो होती हैं, जो फीट जो होते हैं, इसके फीट मतलब बोनस भी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल्स के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ये भी हाइपर सिक्रेशन जो होता है इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। ज़्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, लोअर जाज या हैंड्स या फीट जो होते हैं या टंग जो होती है या लोअर जा होता है, तो ये बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो डिसऑर्डर जो होता है ये होता है डायबिटिस इंसिपिडस, ठीक है ना। असल में ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका डिसऑर्डर होता है,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिक्रेट करता है हार्मोन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या काम करता है, ये हमें वाटर लॉस से बचाता है। जैसे हमें वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है हमारे हाइपोथैलेमस से ये ADH निकलता है, तो वो हमारे जो वाटर जो होता है एक्सेस वाटर उससे ये ADH हमें बचाता है। लेकिन अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें ट्यूमर होता है, क्या होता है ट्यूमर, और भी कुछ मतलब और कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये ADH जो होता है ना ये नहीं बन पाता है। जब ये नहीं बन पाता है, या ऐसा भी होता है ये जो रिनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं किडनीज में जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते ADH हार्मोन को, तो ADH को ये रेस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो पानी बाहर मतलब रीएब्जॉर्ब होना था ब्लड से वो बिल्कुल हमारे इन ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वाटर लॉस होता है, हमारा वाटर लॉस होता है, किस फॉर्म में वाटर लॉस होता है, एक्सेस यूरिन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ADH क्या करता है ये हमें वाटर लॉस से बचाता है। अब इस हाइपोथैलेमस में क्या हो जाएगा, ट्यूमर जब होता है तो ये ADH नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो हमारा ज़्यादा यूरिनेशन होती है उस यूरिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ADH होने था, लेकिन वो नहीं बन पाता, जिससे एक्सेस यूरिनेशन होते हैं उससे क्या होता है डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर लॉस इस यूरिन फॉर्म में, ठीक है ना। जब वाटर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो ये डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट जो होती है इनको बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट हो जाती है, एक्सट्रीम प्यास लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर होता है, सॉरी, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, छोटा रहना। यहाँ पे क्या होता है, ये डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन का मतलब हाई सिक्रेशन हो जाता है, लेकिन इस ड्वार्फिज्म में क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका जो सिक्रेशन जो होता है वो उसका हाइपो सिक्रेशन होता है, लो सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये यूजुअली चाइल्डहुड में छोटे छोटे बच्चों में होता है, जिसकी वजह से इस तरीके के इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं वो छोटे हाइट के दिखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो हमने मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़े थे उसकी ये मेन मेन डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने थे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।